भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी में भी राम है, यहाँ तो देश के कण कण में भगवान राम है। ये अलग बात है कि कांग्रेस राम के अस्तित्व को ही नकारती रही है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, मैंने लोकसभा में चुनाव पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को हराया है, जिस पर कांग्रेस ने धर्म के नाम पर चुनाव जीतने की याचिका लगाई। प्रज्ञा ठाकुर ने पूर्व सीएम उमा भारती के शराबबंदी का भी समर्थन किया है। बयानों से सुर्खियों में रहने वाली भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी में भी राम बसते हैं। उन्होंने 2019 में कांग्रेस के द्वारा लगाई गई याचिका पर कहा कि लोकसभा चुनाव में 3,64,822 मतों से जीती हूं, कांग्रेस को यह हजम नहीं हो रहा है। मेरे सामने जो प्रत्याशी खड़े थे वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। कांग्रेस ने मेरे चुनाव को चुनौती 8 जुलाई 2019 में हाई कोर्ट में दी थी कि मैंने धर्म के नाम पर चुनाव जीता है। मामला कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, इसलिए मैं कुछ और ज्यादा नहीं कहूंगी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री का नाम लेकर कांग्रेस लोगों को भ्रमित कर रही है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव में मैं प्रत्याशी रही, चुनाव लड़ी और उसके पश्चात विजयी हुई। 3,64,822 वोटों से मैं जीती। कांग्रेस को ये हजम नहीं हुआ। मेरे समक्ष जो प्रत्याशी खड़े थे वो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और भी काफी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रहे। मेरा जीतना और उनको अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। उमा भारती के शराबबंदी के प्रदर्शन पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, मैं शराबबंदी पर उमा भारती का समर्थन करती हूं। शराबबंदी होनी भी चाहिए, अपनी बात को रखना और समाज का ध्यान रखना चाहिए। सीएम शिवराज शराबबंदी के पक्ष में हैं, यहां कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं है। मैं उमा भारती की मांग के साथ हूं। बिल्कुल, मैं शराबबंदी के लिए उमा दीदी की बात का और शराबबंदी का पूर्ण समर्थन करती हूं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी की नेता है हमारी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, वो इतना अच्छा विचार करके चल रही हैं, समाज के हित में कार्य है और शराबबंदी होना ही चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।